पौड़ी के बुरासी, देवार, कांडा समेत अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में गुलदार की धमक देखने को मिल रही है। आए दिन ग्रामीण क्षेत्र में गुलदार दिनदहाड़े ही मवेशियों को निशाना बना रहा है। गुलदार के आतंक से ग्रामीण इस कदर खौफजदा हैं कि बच्चों को स्कूल छोड़ने और लेने के लिए तक समूह बनाकर जा रहे हैं, जिसको लेकर ग्रामीणों ने वन विभाग से गुलदार के आतंक से निजात दिलाई की मांग की है। गढ़वाल वन प्रभाग के DFO से मुलाकात कर ग्रामीणों ने बताया कि गुलदार की चहलकदमी से पूरे क्षेत्र में भय का माहौल बना हुआ है। अब तक गुलदार कुछ मवेशियों को निवाला भी बना चुका है और गुलदार के कारण घर से बाहर भी नहीं निकल सकते। ग्रामीण कुतवाल सिंह ने बताया कि गुलदार के आतंक से निजात दिलाने के लिए वन विभाग ने कई इलाकों में पिंजरे लगाए हैं, साथ ही गांव में रात्रि गश्त भी की जा रही है। DFO पौड़ी मुकेश कुमार ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में मादा गुलदार और उसके दो शावक दिखाई दे रहे हैं। ग्रामीणों को गुलदार के आतंक से निजात दिलाने के लिए वन विभाग की टीम को रात्रि गश्त के लिए भेजा जा रहा है। पौड़ी से मुकेश बच्छेती की रिपोर्ट। हमारे गांव में बाघ की दहशत फैली हुई है, घर से आके एक खाड़ों को लेके गया। फिर 27 तारीख के बाद उसने 30 तारीख के बकरे को दिन में जब पकड़ा था उसको उठा ले गया, फिर आज सुबह ये कुत्ते पकड़ ले गया। लगातार मतलब हमारे जो बाघ कारण हमारे चार गांव दहशत में, बुरांच हो गया, कांडा हो गया, कांडे हो गया, बेरांगा हो गया। यहाँ बाघों का आवागमन देखा जा रहा है। यहाँ का एक प्रतिनिधि मंडल भी मुझसे मिला है। ये पानी जहाँ जहाँ उपलब्ध है या उनके यहाँ पानी के स्रोत हैं वहाँ पर इनका चहल पहल देखी जा रही है। उसमें फीमेल लेपर्ड हैं और उसके जो जो बच्चे हैं, उसके अलावा भी बता रहे हैं कि 2-3 बाघ और दिखाई दे रहे हैं। तो इन बाघों के लिए आवश्यक कार्रवाई जो भी है उसको हम अमल में ला रहे हैं। अभी जैसे पिंजरा लगाने की कार्रवाई है और इससे आगे की जो भी कार्रवाई होगी।